हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड डिस्कस करेंगे कि एल्काइल हैलाइड को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीएससी एंड एमएससी लेवल के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सो उस अकॉर्डिंग हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट मेथड्स है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड। सो इन मेथड्स को पढ़ने से पहले एल्काइल हैलाइड्स क्या होता है इसको एक बार हम देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। जनरली आपको पता होगा कि हैलाइड्स को ही हेलो एल्किन्स भी कहा जाता है। अगर कोई भी एल्केन ग्रुप या कोई भी हेलोजन जब आपस में जुड़े होते हैं तो इसको ही एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। यहाँ पे जो हेलो एल्किन्स होता है एल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्किन्स कहा जाता है। एंड एल्केन मतलब आपको पता है एल्केन ग्रुप जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, मतलब मिथेन इथेन प्रोपेन ये सभी आते हैं आर ग्रुप के अंतर्गत। एंड यहाँ पे एक्स हमारा क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी हेलोजन होते हैं ये आते हैं। तो कोई भी एल्केन ग्रुप एंड जब हेलोजन आपस में कंबाइन जुड़े होते हैं तो उसी को ही एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अब इस एल्काइल हैलाइड को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ एन हाइड्रोजन Cl2 आर कंसेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, सो बेसिकली ये जो एल्कोहल एंड हाइड्रोजन हैलाइड दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमको एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है प्रेजेंस में किसके, एन हाइड्रोजन Cl2, मतलब कि एनहाइड्रोज मतलब निजर मतलब क्रिस्टल फॉर्म में हम Cl2 को यूज करेंगे। एंड यहाँ पे ये हमारा हो गया ROX एल्कोहल, R की जगह आप कोई भी इथेनॉल मेथेनॉल यहाँ पे हो सकता है, तो ये इथेनॉल या मेथेनॉल है। एंड इसके साथ ही हम कोई भी एक हेलोजन, ठीक है, जब इसका बेसिकली ये हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हाइड्रोजन हैलाइड हाइड्रोजन के साथ कोई भी हैलोजन ग्रुप अगर जुड़ा होता है तो उसको हाइड्रोजन हैलाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार एल्कोहल या हाइड्रोजन हैलाइड को आपस में रिएक्ट कराया जाता है एनहाइड्रोजन Cl2 की उपस्थिति में, तो हमको ये हमको एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्काइल हैलाइड मतलब ये R ग्रुप, ठीक है, एल्केन ग्रुप एंड X जो है हमारा हैलोजन, उसके साथ हमको वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है एल्काइल हैलाइड को इस मेथड्स के द्वारा बना सकते हैं। सेकंड मेथड है बाय रिएक्शन ऑफ एल्कोहल एंड थायनाइल क्लोराइड। ठीक है, सो एल्कोहल सेम वही हम एल्कोहल लेंगे एंड थायनाइल क्लोराइड मतलब ये जो हमारा सल्फोक्साइड क्लोराइड है इसी को ही थायनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है। सो दोनों को आपस में जब रिएक्ट कराया जाता है पायरिडीन की उपस्थिति में तो हमको ये RCl जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ये प्राप्त होता है। इसके साथ ही SO2 एंड HCl भी हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भी हम एल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर सकते हैं इस मेथड्स के द्वारा। एंड थर्ड है हमारा बाय रिएक्शन ऑफ एल्केन एंड हैलोजन। ठीक है, कोई भी एल्केन जैसे हमने यहाँ पे मीथेन लिया है एंड हैलोजन जैसे यहाँ पे हमने क्लोराइड लिया है, ठीक है, तो इस प्रकार से मीथेन एंड क्लोराइड दोनों की उपस्थिति दोनों को रिएक्ट जब कराया जाता है तो हमको ये देख सकते हैं ये एल्काइल हैलाइड हमको क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ, साथ ही ये HCl भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार भी हम एल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ मेथड है हंसडिकर रिएक्शंस। हंसडिकर रिएक्शंस अपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा, इसमें जनरली सिल्वर सॉल्ट और सिल्वर सॉल्ट यूज किया जाता है। सो एल्काइल हैलाइड कैन बी ऑब्टेन बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट। ठीक है, सिल्वर सॉल्ट के डीकम्पोजिशन के द्वारा हमको एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है ऑफ फैटी एसिड बाय क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा जब कंपोजिशन किया जाता है सिल्वर सॉल्ट का तो हमको जो है हंसडिकर रिएक्शंस के अनुसार हमको एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने सिल्वर सॉल्ट लिया, साथ में ये हमने ब्रोमीन लिया। ठीक है, तो ब्रोमीन CCl4 की उपस्थिति में जब इसको रिएक्ट कराया जाता है तो हमको ये हमारा एल्काइल हैलाइड RBr, ठीक है, प्राप्त होता है। एंड साथ ही ये CO2 एंड AgBr भी हमको अलग से क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हंसडिकर रिएक्शन में से हम एल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने इथाइल रेडिकल्स लिया एंड ये सिल्वर सॉल्ट लिया एंड ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट कराया तो इसी प्रकार हमको ये जो है C2H5Br, ठीक है, हमारा एक एल्काइल हैलाइड हमको प्राप्त हुआ। तो इस मेथड से द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट मेथड है हमारा फिफ्थ मेथड बाय रिडंस मेथड। ठीक है, रिडंस मेथड के द्वारा किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। एल्काइल हैलाइड कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ऑन एल्कोहल विथ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। ठीक है, एल्कोहल एंड ब्रोमीन को ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की उपस्थिति में जब रिएक्ट कराया जाता है तो हमको ये हमारा एल्काइल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट मेथड
मेथड्स हैं अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के, जो आई होप आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जनरली 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में बीएससी एंड एमएससी लेवल में पूछे जाते हैं, सो उस अकॉर्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये नोट्स आप इसको डायरेक्टली अपने थ्योरी एग्जामिनेशन में अप्लाई कर सकते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको देख के आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। एंड अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ स्टोर का लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां आपको यूनिट वाइज नोट्स मिलेंगे, बीएससी एंड एमएससी लेवल के सारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। सो इफ यू फाइंड हेल्पफुल, सो प्लीज चेक आउट दैट पीडीएफ स्टोर। एंड आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।